हेलो दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 3C का पहला सवाल है। निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। पहला है 729/1331। 729/1331 तो हम करेंगे पहला 729, उसके बाद बटे 1331। तो इसका घन निकालना पड़ेगा, 729 का घन निकालेंगे हम 729 में। ये 3 से कट जाएगा क्योंकि अंकों की संख्या जो होती है 1 2 3, 3 अंक है तो 3 1 3 तो कट जाएगा, अर्थात 3 से कट जाएगा। तो 3 2 6, उसके बाद इसमें से बचा 1 तो बना 12, 3 चौके 12, उसके बाद 3 3 9, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 12 2 में करेंगे नहीं जाएगा, 3 8 24, और 3 1 9 3, उसके बाद फिर 3 से कराएंगे 3 2 6, इसमें से 8 है तो 2 बचा 21, बना 3 7 21, उसके बाद 3 9 27, 3 3 9, 3 1 9 3। तो इसमें से 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, इसका 3 का बना, इसका 3 का बना, अर्थात 3 इसमें से 1 लेंगे, उसके बाद इसमें से 3 3 9, हमारा इस 1 आ गया 9, उसके बाद 1331 का निकाल लें घनमूल। 1331 का निकालेंगे हम, ये डाट जाएगा लगभग 11 से, 11 कम 11, ये बचा कितना, ये 11 कम 2 बचा 23, तो 11 2 22, इसमें से 1 बचा तो बना 11, तो 11 कम 11, उसके बाद फिर कराएंगे 11 ग्राम में 121, उसके बाद 11 कम 11, तो हमारा आंसर आ गया, इसका 11 आ गया। तो 729/1331 का घनमूल आ गया 9/11 आंसर, 9/11 आंसर। दूसरा है 512/3375 का घनमूल निकालना है, चलिए निकालते हैं इसका। पहले 512 का निकालेंगे हम, 512 का इकाई अंक में अगर इकाई अंक अगर 2 से भाग देने पर कट जाएगा तो हमारा 2 से चला जाएगा घनमूल। तो 2 2 4, इसमें से बचा 1 तो बना 11, तो 2 5 10, फिर इसमें से बचा 1 तो 12 बना, 2 6 12, उसके बाद 2 से 2 1 कम 2, 2 2 4, इसमें से 1 बचा 16 बना, 2 8 16, उसके बाद फिर 2 से 2 6 12, 2 6 12, 2 चौके 8, उसके बाद 2 3 6, 2 2 4, उसके बाद 2 1 कम 2, इसमें बसा 1 तो 12, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 2 4, 2 1 9 2। तो घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, 1 2 3, ए बना एक जोड़ा, 1 2 3, एक जोड़ा ये बना, 1 2 3, ए बना, एक जोड़े में से लेंगे 1, उसके बाद इसमें से 1 2 लेंगे, इसमें से बराबर 2 2 4 2 8, इसमें से आ गया 8, 512 का घनमूल 8। उसके बाद 3375 का निकालेंगे, 3375 का, इसको हम पहले 5 से काटेंगे, 5 6 30, इसमें से बचा 3, मतलब 33, 3 बचा 37, तो 5 7 35, 35 2 37, हाँ तो इसमें से बना 2 25, तो 5 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 कम 5, इसमें से बचा 1 तो बता 17, तो 5 5 3 15, उसके बाद 2 बचा 5 5 25, उसके बाद फिर 5 से 5 2 10, 5 3 15 ज़्यादा हो जाए, 5 2 10 बचत 3 बचत 35 हो जाएगा, 5 7 35, अब 3 से कटे 3 9 27, 3 3 9, 3 1 9 3, इसका जोड़ा बनाएंगे 1 2 3, इसका बना 1 2 3, इसका बना, तो इसमें से एक जोड़ा लेंगे 5 × 3 बराबर 5 3 15, 1 में आया था 8, उसके बाद 15, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 5/12, 33/3375 का घनमूल 8/15, ये आ गया हमारा आंसर। तो तीसरा सवाल है 1728/15 625 का घनमूल निकालना है, चलिए निकालते हैं इसका घन। पहले 1728 का घन निकालेंगे हम घनमूल,
1728 दो से कटेंगे क्योंकि इकाई अंक दो से कट जाएगा, तो दो से कट जाएगा हमारा, 2 8 16 उसमें से बचा एक, तो 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, उसके बाद 2 से फिर 2 2 4, 2 1 2, उसमें 12 2 6 12, उसके बाद 2 से 2 1 2, अब 16 में डॉट मतलब एक में नहीं जाएगा, तो दोनों में पढ़ने के लिए पहले 0 बनाएंगे, 2 2 8 16, उसके बाद 2 5 10, और इसमें से बचा कुछ नहीं बचा 4, 2 4 8, फिर 2 से 2 2 4, उसके बचा 1 17, तो 2 7 1 बचा 14 बना, 2 7 14, 3 से कटेगा डॉट, 3 9 27, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 9 3, तो सबका घनमूल में 3 3 का जोड़ा बना, 1 2 3, इसका 3, 1 2 3, इसका 3, 1 2 3, तो अर्थात 17 17 28 का पहले हम 2 इसमें से 1 लेंगे, फिर इसमें से 2 लेंगे, इसमें से 3 लेंगे, बराबर 2 2 4 3 12, 17 17 28 का घनमूल 12 है। उसके बाद 15 625 का निकालते हैं, 15 625 को 5 निकालेंगे, 5 3 15, 5 3 15, उसके बाद बचा ये 15, तो 5 1 5, इसमें से बचा 10 12 बनेगा, तो 5 2 9 10, उसके बाद बचा है 2, मतलब 12 था तो 2 बचा, 25 5 25, फिर 5 से 5 6 30, इसमें से 1 बचत 12, 5 2 10, उसके बाद 2 बचत 5 5 25, 5 से 5 1 5 बना, 1 बचत 12 बना, 5 2 9 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 2 9 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, तो घन बनाएंगे, घन में 3 3 का जोड़ा बनता है, ये बना ये बना, तो एक जोड़ा 15 625 का घनमूल आएगा, 5 इसमें से लेंगे, 5 इसमें से, अर्थात 5 5 25, तो हमारा फाइनल आ गया आंसर 1728 बटे 15 625 का घनमूल आएगा हमारा 12 बटे 25 आंसर। अगला क्वेश्चन है 5 सही 23 बटे 64, तो हम यहाँ पहले इसको क्या कराते हैं, 64 को 5 से गुणा कराते हैं, उसके बाद जितनी संख्या आएगी उसमें 23 जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं, 64 को 5 से गुणा करेंगे, उसके बाद 23 जोड़, 64 × 5 + 23/64, तो आ जाएगा हमारा फाइनल आएगा 343/64 का हमको घनमूल निकालना है, तो पहले 343 का निकालेंगे, 343 का, तो यहाँ ऐड कटेगा 7 से 7 6 28, इसमें बचा 6 63 हो जाएगा, 7 9 63, तो 7 से 7 7 49 7 1 7, 7 7 का जोड़ा बन गया, इसका 343 का घनमूल 7, उसके बाद फिर निकालेंगे 64 का, 64 का घनमूल निकालेंगे, 2 से 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, इसमें बना 12, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा बना, तो 64 का घनमूल 2 × 2 बराबर 4, 64 का घनमूल आ गया 4, तो हमारा आ गया 7/4, नीचे वाली संख्या छोटी है तो इसको हम पहले कराएंगे सही के रूप में, कैसे लिख सकते हैं, 4 2 8, उसके बाद 4 2 4 1 4, उसके बाद आंसर 1 सही 3/4, मतलब 4 1 4 3 7/4 आंसर आ गया हमारा। पहला का पांचवा सवाल है, पांचवा का घनमूल निकालना है, इसको हम 125 कम 125 और 125 में 91 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 216, तो 216/125 का घनमूल निकालना है, पहले हम 216 का घनमूल निकालेंगे, 216 का,
चलिए देखते हैं, दो से दो कम दो, उसके बाद यहाँ जीरो बढ़ाकर दो अठे 16 और 2 5 10 और 2 4 8, 2 से फिर 2 2 4 इसमें से बचा 1 2 7 14, उसके बाद 3 से 3 9 27, 3 53 9, 3 91 3, तो घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो इसका जोड़ा बना और इसका जोड़ा बना, अर्थात 2 × 3 बराबर 2 3 6, 216 का घनमूल 6 आ गया। उसके बाद निकालेंगे 125 का घनमूल, 125 5 से 5 2 10, इसमें से बना 25 और 2 25 बना 55 25, फिर 25 55 25, 5 91 5, तो 125 का घनमूल 5 आ गया। तो 216/125 का घनमूल 6/5, 100 इसको हम लिख सकते हैं 5 1 5, 1 सही 1/5 आंसर, अर्थात 5 1 5, 6 6/5। पहला का छठवां सवाल है, 22 सही 161/216 का घनमूल निकालना है। इसको जब गुणा कराएंगे 216 × 22 में, उसके बाद 161 जोड़ देंगे तो आएगा हमारा 49 13/216 का अब घनमूल निकालना है। तो पहले 49 13 का निकालेंगे, 4913 का निकालेंगे, पहले कटेगा डाट 17 से, तो 17 और उसके बाद 289, उसके बाद फिर 17 से, तो 17 17 में 289, 17 कम 17, अगर इस चलिए इसको देखिए आगे इसका 4913 का घनमूल 17, उसके बाद 216 का निकालेंगे, 216 का निकालेंगे, 2 कम 2, उसके बाद 0 बढ़ा के 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 214, 3 से 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 3, ये जोड़ा बना 3 का, 2 3 6, 2 × 3 = 6, तो 17/6, तो इसको लिख सकते हैं 6 2 12, 36 ज़्यादा हो जाए, 6 2 12, 6 2 12 और 12 में 5 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, तो 2 सही 5/6 हमारा आ गया है आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। पहला है 1.331, इसका घनमूल ज्ञात करना है 1.331। तो हम जानते हैं कि अगर दशमलव दशमलव हटाना है तो पूरा पूरा संख्या लिखेंगे, उसके बाद इकाई अंक से कितनी संख्या पर है उतना बटे में जीरो लगा देंगे, एक लिख के 1 2 3 3 0, तीन संख्या है दशमलव के पहले, तो 1 2 3 दशमलव के बाद, मतलब इकाई अंक से गिनते हैं। तो अब निकालेंगे पहले 1333 का, ओ 1331 सॉरी, तो 1331 का निकालेंगे हम, पहले एक कटेगा 11 से 11 कम 11, उसके बाद बचा 2 11 2 22, उसके बाद बचा 1 11 कम 11, फिर 11 11 में 121, उसके बाद 11 कम 11, इसका आ गया 11, 1331 का घनमूल 11। उसके बाद 1000 का घनमूल निकालेंगे 2 से, 2 5 10, उसके बाद 2 0 0 लिखेंगे, उसके बाद 2 2 4, उसके बाद बचा 1, तो 2 5 10 0, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 5 10, 5 से 8, 5 2 10, 55 25, 55 25, 5 1 कम 5, तो इसका जोड़ा बना इसका जोड़ा बना, अर्थात 5 2 2 × 5 = 10, तो 1000 का घनमूल 10, उसके बाद 1331 का 11, तो लिखेंगे 11/10। अब इसको दशमलव में परिवर्तित कर लेंगे तो कई जीरो है नीचे, 1, तो
बस एक अंक बाहर लगा देंगे, बस हमारा आ गया आंसर। मतलब जीरो वहाँ है तो एक जीरो है, तो इस इकाई अंक के बाद एक जीरो लगा देंगे। दूसरा है 42.875 का घनमूल ज्ञात करना। चलिए ज्ञात कर, दशमलव को हटाने के लिए हम लिखते हैं बटे में उतने जीरो से है, 42875 लिखेंगे, उसके बाद एक लिख के कितने जीरो, एक दो तीन, तीन अंक के बाद दशमलव तो 3 0 लिखेंगे, 3 0 हो गया। उसके बाद 42875 का हम घन निकालेंगे, घनमूल 42875। तो यहाँ हम 5 से निकाल देंगे पहले, 5 8 40, उसके बाद बचा 2 तो 28, 5 5 3 5 5 25, 5 6 ज़्यादा ये 50 25, तो 3 7 37, 5 7 35, उसके बाद बचा है 2 तो 5 5 25, फिर 5 से 5 51 5, इसमें से बचा 2 तो 5 5 35, मतलब 3 5 35, 5 7 35, उसके बाद बचा है 5 1 5, उसके बाद 5 5 25, फिर 5 से 5 3 15, 15 2 17, मतलब 2 21, 5 4 20, उसके बाद बचा है 1 5 3 15, फिर 7 से डाट, 7 4 28, उसके बाद 7 9 63, 6 5 7 7 49, उसके बाद 7 1 7, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 5 का बना 7 का बना, तो 5 7 5 × 7 = 35, तो और 1000 का घनमूल 10 आता है। तो लिखेंगे 35/10, तो दशमलव लगा के क्या करेंगे, दशमलव लगाने के लिए 3 5 है तो एक जीरो है, तो यहाँ एक जीरो लगा देंगे आंसर। 54.872 का घनमूल निकालना है, जब दशमलव हटाएंगे तो 54.872 लिख के उसके बाद एक लगा कर 1 2 3, दशमलव पहले तीन संख्या है, दो बाद तीन संख्या है, तो 1 0 2 0 3 0, उसके बाद इसको निकालेंगे 54.875 का घनमूल, 54.875 का 72 है सॉरी घनमूल, पहले निकालेंगे 2 से, 2 2 4, 1 2 14, 2 4 8, 2 3 6, 1 12 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2, 2 3 6, 1 14 2 7 14, उसके बाद 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 6 12, इसमें से बचा 1 17, तो 2 8 16, फिर 1 11 बना, 2 5 10, फिर 1 18, दोनों 18, अब डायरेक्ट कटेगा ये, अब ये डायरेक्ट कटेगा 19 से, 19 को भाग देंगे जब 6859 में तो आ जाएगा 361, उसके बाद फिर 19 को कराएंगे फिर 19 से, तो 19 में 361, उसके बाद फिर 19 1 19, तो हमारा आ गया, इसका जोड़ा बना इसका जोड़ा बना, तो 19 2 38, तो 38/1000, 1000 का होता है घनमूल 10, तो 38/10, तो जब दशमलव के रूप में लिखेंगे तो इसको जीरो जब हटाएंगे यहाँ तो ये यह वहाँ दशमलव आ जाएगा एक अंक बाद, 3.8 आंसर। चौथा है, दूसरा का चौथा है 74.088, चलिए इसके दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 74.088, तो दशमलव के अंक बाद है इकाई, इकाई 1 2 3, तीन अंक बाद है तो यहाँ हो जाएगा 1000, मतलब 3 0 लग जाएंगे। उसके बाद 74.088 का निकालेंगे हम घनमूल, 2 से 2 2 2 3 6, बना 14 2 7 14, 0 उतारेंगे, 2 4 8, 2 4 8, फिर 2 से 2 1 2, बना 17, तो 2 8 16, ये बचा 1 10, 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4, फिर 2 से 2 9 18, उसके बाद 2 2 4, 1 12, 2 6 12, 2 1 2, 92 61 आ गया, उसके बाद ये कटेगा
चलिए अब तीन से काटते हैं, 3 त्रिका 9, इसके बाद 0 बढ़ाएंगे, दो संख्या एक ही बार में पढ़ रहे हैं, 3 8 24, इसमें से बचा 2, 3 7 21, उसके बाद फिर 3 से करेंगे, 3 1 3, उसके बाद बचाइए 3 1 3, 0 ऐसे उतारेंगे, 3 2 6, 2 बचा 3 9 27, उसके बाद 3 से फिर करेंगे, 3 3 9, 1 बचा 12, 3 6 12, 3 3 9, और 7 से कटेगा डायरेक्ट, 7 4 28, इसमें से बचा 6 63, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7, तो इसका जोड़ा बनाएंगे 1 2 3, इसका बना 1 2 3, इसका बना 1 2 3, इसका बना, तो 2 इसमें से लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 7 लेंगे, आ गया 2 3 6 7 42, 42 बटे, और 1000 का वर्ग घनमूल 10, तो 42 बटे 10, जब हम दशमलव में लगाएंगे तो एक अंक बाद दशमलव 0 है, एक 0 है, तो यहाँ एक अंक बाद आंसर हो गया 4.2। दूसरा का पांचवा है, 5.832 का घनमूल ज्ञात करना, 5.832 को हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटा के उसके बाद 1 2 3 3 जीरो लगा देंगे, इसके बाद 58 3 58 32 का निकालेंगे घन, 58 32 का घन निकालेंगे 2 से, 2 2 4, इसमें से बचा 1, तो 18 बना, 2 9 18, 2 1 2 2 6 12, फिर 2 से, 2 1 2 2 4 8, इसमें से बचा 1, 11 बना, 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 से, 2 7 14, 2 2 4, उसके बाद बचा 1, 2 9 18, 7 29, अब ये कटेगा 3 से, 3 2 6, इसमें बचा 1, 3 6 12, और 3 3 9, अब फिर 3 से कराएंगे, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 2 6 बचा 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो वहाँ जोड़ा 3 3 बनता, 1 2 3 ये बना, 1 2 3 ये बना, 1 2 3 ये बना, तो इसमें से लेंगे 2 × 3 3, बराबर 3 3 9 18, और 1000 का 10 घनमूल 10, तो 1.8 आंसर। अगर आप लोग को ना समझ में आए तो कैसे 1.8 आ जा रहा है, तो इस 10 से भाग देंगे 18 में, तो 10 1 10, उसके बाद 8 उतारेंगे, 0 बढ़ा के 10 बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, 10 8 80, तब भी आ गया 1.8 आंसर। छठा है दूसरा का, 0.000729 का घनमूल ज्ञात करना, तो दशमलव हटाएंगे तो वहाँ 1 2 3 4 5 6 6 0 1 2 3 4 5 6, तो 729 का घनमूल निकालेंगे पहले, 729 का 3 2 6, उसमें बचाए 1 12, 3 6 12, उसके बाद 3 3 9, फिर 3 से, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनेगा 1 1, 3 × 3 बराबर 3 3 9, उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख का घनमूल निकालेंगे, तो 10 लाख का घनमूल 100 आता है, तो अर्थात 9/100, 9/100 ये हो जाएगा, दो अंक है तो दशमलव लगाएंगे 0.09 आंसर, 0.09। तीसरा प्रश्न 3 से लेकर प्रश्न 5 तक उत्तरों में सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तीसरा 27/64 का घनमूल है, 27 का घनमूल निकालेंगे, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3,
सत्ताईस का घन तीन, उसके बाद चौंसठ, चौंसठ का दो से दो तीन छः, दो दूनी चार, हाँ दो एक कम दो, उसके बाद बचा एक, तो बारह दो छः बारह, दो अठे सोलह, दो चौके आठ, दो दूनी चार, दो एक कम दो, दो दो, चौंसठ का घनमूल दो गुणे दो बराबर चार, तो हमारा आ गया तीन बटे चार आंसर। तो तीन बटे चार कहाँ, दूसरा, दूसरे में निशान लगे तीन बटे चार। चौथा है तीन से ही तीन बटे आठ का घनमूल है, आठ त्रिक चौबीस, तीन सत्ताईस बटे आठ, इसका घन निकालेंगे, सत्ताईस का कितना होता है तीन और आठ का दो, तीन बटे दो, सत्ताईस का घन तीन और आठ का घन घनमूल दो, तो इसको लिख सकते हैं दो एक कम दो, दो एक कम दो एक तीन बटे एक सही एक बटे दो आंसर, तो एक सही एक बटे दो तीसरा है। पांचवा है 0.00008 का घनमूल है, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः, छः जीरो लगाएं, एक दो तीन चार पाँच छः, अब आठ का घनमूल आ गया दो, और एक दस इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख दस लाख, दस लाख का घनमूल सौ, अर्थात हमारा आ गया 0.002 आंसर। पांचवा का दूसरे में लगेगा दूसरा। छठवां क्वेश्चन है एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है, गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। घनाकार गड्ढे, गड्ढे का आयतन, आयतन बराबर कितना है 13.824 मीटर क्यूब घन मीटर, तो इसको हम निकालेंगे पहले घन मीटर को 13.824, तो दशमलव हटा के एक दो तीन, तीन जीरो लगेंगे एक दो तीन, उसके बाद 13.824 का घनमूल दिखाएंगे 13.824, तो दो से दो छंग बारह, इसमें से बचा एक, तो दो नौ अट्ठारह, दो एक कम दो, दो दूनी चार, फिर दो से दो तीन छः, दो चौके आठ, दस दो पंचे दस, दो छंग बारह, दो से दो एक कम दो, दो दूनी दो सौ चौदह, दो दूनी चार, इसमें बचा एक, सोलह दो अठ सोलह, फिर दो से दो अठे सोलह, एक बचा दो छंग बारह, दो चौके आठ, फिर दो से दो चौके आठ, दो तीन छः, दो दूनी चार, दो से दो दूनी चार, दो एक कम दो, ये बना बारह, दो छंग बारह, दो सौ सोलह, अब दो सौ सोलह का निकालेंगे, दो सौ सोलह का दो से दो एक कम दो, जीरो बढ़ा के दो अठ सोलह, फिर दो से दो पंचे दस, दो चौक आठ, दो दूनी चार, दो सौ चौदह, तीन से तीन नौ सत्ताईस, तीन इक्नम तीन, तीन इक्नम तीन, तो हम घन बना लेते हैं एक दो तीन, इसका बना एक दो तीन, इसका बना उसके बाद एक दो तीन, इसका बना एक दो तीन, इसका बना, तो इसमें से पहले एक लेंगे दो, इसमें से लेंगे दो, फिर इसमें से लेंगे दो, इसमें से लेंगे तीन, तो गुणाकरण दो दूनी चार दूनी आठ त्रिक चौबीस, चौबीस उसके बाद बटे और एक हज़ार का घनमूल दस, दस आता है, तो अर्थात जब
2.4 आंसर। एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। सातवां, घनाकार बक्से का आयतन बराबर 8000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद घनाकार की एक भुजा बराबर कि एक एक भुजा बराबर भुजा बराबर अंडर सिंबल लगे 8000, उसके बाद 8000 का घनमूल निकालेंगे, 8000 का घनमूल निकालेंगे। इसको हम पहले 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8 0 0 0, उसके बाद 2 से 2 दूनी 4 0 0 0, 2 1 कम 2 0 0 0, उसके बाद 2 से करेंगे 2 5 10 0 0, उसके बाद 2 दूनी 4 ये बना 10, 2 5 10 0, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 बचा 2 5 10, 2 5 25, 5 25, 5 1 कम 5, घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है 1 1, ये जोड़ा बन गया। उसके बाद एक जोड़े में से 2 लेंगे 2, उसके बाद फिर 2 लेंगे, उसके बाद 5, उसके बाद 2 दूनी 4 5 20, 20 आ गया हमारा आंसर, 20 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और एजुकेशन रंजीत कुमार के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।